بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. फ़िलहु कुम وَاحِدٌ فَلَهُ उनफ़ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ मुखबिन बकर क्यों बनाई जाती है मेरे अज़ीज़ कुर्बानी का ये दिन जिसके अंदर लोग अपनी कुर्बानियां जानवरों की पेश करते हैं ये कुर्बानी सिर्फ़ इस उम्मत के अंदर ही नहीं बल्कि क़र करीम का इरशाद है कि वली कुल उम्मन जानना मन सका कि हर उम्मत के अंदर कुर्बानी का तरीका रहा है और ये कुर्बानी क्यों की जाती है ताकि अल्लाह ताला का तकर्रब हासिल किया जाए बंदा अल्लाह के करीब हो सके अल्लाह की आज़मत उसकी मोहब्बत उसका वक़ार उसके दिल के अंदर बैठ सके लिए जरुस्मल्ला ताकि तुम अल्लाह का नाम ब करने के वक्त लो यानी जब जानवर को बाह किया जाता है तो बसमिल्ला अकबर यानी अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है और बंदा इस बात का सबूत देता है कि मेरा हर हर काम अल्लाह के लिए तो मेरे अजीजों ऐसे मौक़े के ऊपर जब जानवर के गले के ऊपर छुरी फेरे तो उस वक़्त ये ख्याल करे कि हमें भी अपनी कुर्बानी देनी चाहिए और वो इंसान की कुर्बानी क्या है कि मेरे तमाम जज्बात मेरी तमाम ख्वाहिशात आज मैं उसके अल्लाह के लिए उन सब को कुर्बान करता हूँ इन न सौलाती व नुकी व माखिया व ममाती रबालमीन कि यकीन मेरी नमाज मेरी क़ुरबानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह रबालमीन के लिए है। जब इस नीयत से हम अपनी क़ुरबानियाँ करेंगे तो लोगों जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर ख़राबियाँ हैं और फसाद हमारी जिंदगियों के अंदर जो फैलते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमने ऐसे मौके के ऊपर अपने जज्बातों को भी अपनी ख्वाहिशों को भी कुर्बान कर दिया है तो कुर्बानी ऐसी अजीम चीज़ है और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसको अल्लाह फरमाया है यानी अल्लाह के शार यानी दीन इस्लाम की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है और फिर इसका यही मकसद नहीं कि तुम कुर्बानी के जानवर को िबा करके उसका सिर्फ गोश्त खा जाओ बल्कि इसका उखरवी भी फ़ायदा है यानी अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सवाब अता फ़रमाएंगे और फिर अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने यह भी फरमाया कि व तयम अलवलमुतर तुमने जो जानवर बा किया है उसमें कान को भी खिलाओ और मतर को भी खिलाओ कानें तो वो शख़्स है जो मजबूर है फ़कीर है गरीब है लेकिन उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो किसी से सवाल करके कुछ मांग ले यानी अपनी जगह बैठा रहता है तो ऐसे लोगों को ढूंढ़कर कर कुर्बानी के जानवर के अंदर से उसको भी खिलाओ और मोहतर वो शख्स है जो सवाल करता हो अब सवाल करने का मतलब यह है कि चाहे वो जबान से सवाल करता हो या अपने हाल से सवाल करता हो जबान से सवाल करना तो सभी जानते हैं कि वो मुंह से कह रहा है कि भाई मुझे भी दे दो कुछ थोड़ा सा गोश और एक ये है कि वो जबान से तो नहीं बोल रहा लेकिन उसके हालात बतला रहा है कि ये कुछ चारा है तो ऐसे शख्स को भी धुतकारे नहीं झिड़के नहीं कि भाई तू हमारे यहाँ पे क्यों बार बार फेरे लगा रहा है क्यों मुंह मुँह लटका है घूम रहा है चला जा बल्कि कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है कि दोनों को दे दो कान को भी दो और मतर को भी दो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे कब्जे में इतने बड़े जानवर दे दिए कि अगर तुम अपने तौर पर चाहते तो इनके ऊपर काबू नहीं कर सकते थे कदाली का शब करना लकुम लाल लकुम अल्लाह जानवरों को तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया है वरना ऊंट जैसा जानवर दस आदमियों को खींच कर ले जाए इतनी उसके अंदर ताकत है लेकिन अल्लाह इंसान के हवाले कर दिया उसको ये इंसान की अपना कमाल नहीं बल्कि अल्लाह करा है तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद ये भी फरमा रहा है कि नहीं वला दिमाऊ वला की ना लहु तकवा मिनको कि ना तो उस जानवर का गोश पोषता है अल्लाह ताला को ना उस जानवर का खून पोसता है बल्कि तुम्हारा तकवा अल्लाह ताला को पोषता है यानी तकवा क्या जिस तरीके से अल्लाह तकम दिया है उस तरीक़े से तुमने जानवरों को ज़िबा किया और जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया था कि तुम्हारे जज्बात इस मौके के ऊपर क्या रहें तो ऐसे मौके के ऊपर तुमने पूरे हुक्म की बरदारी करी तो कजाली का सख् खरा लकुम तो अल्लाह तुम्हारे लिए उनको मुशर किया कि लि तोब्र हदाकुम ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस वजह से कि अल्लाह ताली ने तुम्हारी रहनुमाई करी है तो वबशरीमकसिन तो नबी करीम वसल्लम को अल्लाह ने यह हुकुम दिया कि ऐसे मक्सिन को ऐसे इखलास और खलूस से काम करने वालों को बशारत सुना दो। किस चीज़ की बशारत कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो गया अल्लाह ताला तुमसे ख़ुश हो गया इस वजह से कि तुमने हर हर काम अल्लाह के हुम के मुताबिक किया है मेरे अज़ीज़ व यहीं पर एक बात और बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ख़ास तौर से बकर के मौक़े के ऊपर कुछ मुकाबले भी शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ ने अगर ऐसा जानवर ख़रीदा है तो मैं उससे अच्छा लाऊं चाहे मेरी जेब गुंजाइश देती हो या नहीं देती हो मेरी जेब के अंदर गुंजाइश हो या ना हो किसी से कर्जा लेना पड़े या ना लेना पड़े लाऊंगा तो इसको इसराफ कहते हैं और इसराफ को भी यहाँ पर समझ लिया जाए कि हर शख़्स के लिए अलग अलग इसराफ है क्यों कि मालदार भी क्योंकि अलग अलग तरीके के होते हैं कुछ आला दर्जे के मालदार होते हैं कुछ दरमियानी दर्जे के मालदार होते हैं और कुछ कम दर्जे के होते हैं तो अब आला दर्जे के जो मालदार हैं करोड़पति हैं अरबपति हैं तो उनके लिए तो ये है कि वो दस लाख का पंद्रह लाख का बीस लाख का जानवर खरीद रहे हैं तो उनके लिए इसराफ नहीं कहलाएगा लेकिन जो कम दर्जे का मालदार है अगर वो उसका मुकाबला करने लगे कि मैं भी ऐसे ही करूँगा भला ही किसी से कर्जा लेना पड़े और लेकर के अगर वो ये काम करेगा तो उसके लिए ये इसराफ माना जाएगा तो असल उसूल तो ये है कि आप अपनी जेब की गुंजाइश देखें अल्लाह ताला ने आपको कितनी गुंजाइश दे रखी है उसके हिसाब से अच्छा से अच्छा जानवर खरीदें किसी और की तरफ ना देखें और जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो यानी जानवर अंधा ना हो जानवर का जड़ से सींग ना टूटा हुआ हो हाँ अगर ऊपर से कटा हुआ है तो फिर भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी और इसी तरीके से लंगड़ा ना हो और लंगड़े से भी मुराद ये है कि वह इतना भी ना चल सके कि अपनी कुर्बान गांव के ऊपर आ जाए अगर आ सकता हो चल कर तो फिर उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी तो जानवर खरीदने के अंदर इस बात का खास तौर से लिहाज रखें और तो ख़ास तौर से क्योंकि हमारे शहरों के अंदर अब बकरों का रिवाज ज़्यादा चल गया है तो एक साल का बकरा देखें उसकी कुर्बानी जायज़ है एक साल से अगर कम है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं हाँ दांत का देखना कि उसके मुंह के अंदर दो दांत हैं ये सिर्फ़ के तौर के ऊपर होते हैं अगर किसी को पुख्ता ये यकीन है कि मेरे घर के अंदर बकरी ने जो बच्चा जना था वो पिछली बकर के एक दिन पहले जना था और इस बकर को उसके दो दांत नहीं आए तो दो दांत आना ज़रूरी नहीं बल्कि एक साल हो जाना ज़रूरी है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है और जायज़ है वो कर सकता है चाहे उसके दो दांत आए या ना आए और रहा दुम्बे का सवाल तो दुम्बे के अंदर रवायात हदीस से ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छः महीने के दुम्बे की भी इजाज़त दे दी थी तो दुम्बे के अंदर ये हुक्म है कि अगर छः महीने का कोई दुम्बा हो तो उसकी कुर्बानी भी कर सकते हैं और ऊंट कम अज़ कम पाँच साल का हो और बड़ा जानवर दो साल का हो और उसके अंदर सब में ज़रूरी ये है कि, कि किसी के अंदर ऐब ना हो यानी आंखें उसकी सही हों चल सकता हो इसी तरीके से सींग जड़ से टूटा हुआ ना हो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं और इसके अलावा जो मोहताज है जिसके अंदर कोई ऐब है तो वो उसकी कुर्बानी ना करें एक मसला आजकल बहुत ज़्यादा भी उठता है लोग कस्सी बकरों के ऊपर भी ऐब लगाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि इसके अंदर भी तो ऐब है वो बकरे के एतबार से तो ऐब माना जा सकता है लेकिन हमारे एतबार से वो ऐब नहीं है तो उसके अंदर शरीयत ने इजाज़त दी है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कस्सी जानवरों की क़ुरबानी करी है हाँ ये बात अलग है कि अगर कोई पैदाइशी कस्सी पैदा हो तो फिर उसकी जायज़ नहीं एक तो ये है कि कस्सी कर दिया गया वह कस्सी पैदा नहीं हुआ था लेकिन बाद में उसको खस्सी कर दिया गया और एक जानवर वो है कि जो पैदाइशी तौर के ऊपर ही खस्सी पैदा हुआ है तो उस जानवर की जायज़ नहीं तो इन बातों का लिहाज करते हुए हम कुर्बानी करें और फिर अपनी जज्बात की भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करें और अल्लाह का तकरब हासिल करें अल्लाह की आज़मत उसकी महब्बत उसका वक़ार अपने दिल के अंदर रखें और ये आयत को भी बार बार पढ़े इन सलाती व नसुकी व माहिया व ममाती रबालमी मेरी नमाजें मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है सदक अल्लाजी